गाइस, कैसे हैं आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज दोपहर में ना मेरे को बैठे बैठे ऐसे ही मन करा कि आज थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। और आज सैटरडे है तो आराध्या की छुट्टी थी, मैं अकेली नहीं जाना पसंद कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आराध्या को ले चलते हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए व्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और जब आराध्या होती है ना तो मेरा वीडियो शूट का काम कर थोड़ा बहुत कर देती है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है जब भी मैं उसको कहती हूँ। वैसे तो मैं अपने व्लॉग में कम से कम ही लाती हूँ बच्चों को, और जब थोड़ा सा ये छुट्टी होती है तभी लेती हूँ इनको। तो चलिए, हम आ चुके हैं मार्केट में, और मार्केट में आने के बाद शॉप पर देखा मैंने, मुझे ले रहा था अपने लिए कार्डिगन, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी के जो पैसे थे ना जो मेरी सासू माँ ने दिए थे, तो उसका मुझे गिफ्ट लेना था अपने लिए। उन्होंने बोला था कि कोई गिफ्ट ही लेना, अपने वैसे खर्च मत करना। तो मैं ये देख रही थी और फिर मुझे याद था कि कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो सोचा चला कि हाथ दोनों काम हो जाएंगे। काफ़ी दिन से सोच रही थी अपने लिए कुछ लाने का, लेकिन मन ही नहीं करता था। बट मैंने सोचा एकदम से ना, अचानक से बैठे बैठे मुझे लगा कि चलो आज मार्केट ही चलें। काम मेरा ख़त्म हो चुका था घर का, तो यहाँ पे मैंने इनके लिए भी देख रही थी। काफ़ी सारे देखे मैंने, हुडी भी देखी और टी शर्ट भी देखी। तो फ्रेंड्स, अपने लिए होता है ना तो जल्दी से पसंद कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी और के लिए लाते हैं ना तो थोड़ा सा देखभाल के और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ता है। और यहाँ पे साथ साथ मैं अपना भी देख रही थी, तो मुझे ये ना जैकेट बहुत अच्छी लग रही नॉर्मल टेम्परेचर के लिए विंटर में। तो ये मुझे आ तो सही गई थी और अच्छी भी लग रही थी, बट मुझे ना ये लगा कि इसका थोड़ा सा ना कलर भी ऐसा है, तो मुझे ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगी। और भैया और भी दिखा रहे थे हुडी वगैरह, तो और मुझे, मैं सोच रही थी इसे भव्या के लिए ले लूँ, लेकिन वही पड़ता है कि जब वो साथ में नहीं है ना भव्या, तो कभी छोटा बड़ा आ जाए, इसीलिए मैंने भव्या के लिए नहीं लिया अभी। तो फिर भी मैंने ना इसको पहन के देख लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट, और फ्रेंड्स मैंने सोचा कि अगर मेरे सही आएगा तो भव्या के भी ठीक आएगा, क्योंकि जैकेट्स वगैरह होते हैं ना वो थोड़ा सा हम खुली खुली लेते हैं, और क्योंकि ज़्यादा सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ना वो टाइट फिटिंग के नहीं लेती। फिर उसके बाद मुझे उस शॉप पे कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने अगली एक शॉप पर गई और मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग कोट देखा, और फिर हमने थोड़ा सा शॉपिंग करके मैं आई घर पर, और मुझे याद आया कि मैंने लाल मिर्ची ली थी अचार डालने के लिए। मैंने उनको जल्दी से धोया और हल्की सी धूप लगाई, और उसके बाद मैं शाम को लग गई इन्हें काटने के लिए। और मैं जब भी ये हरी जो भी मिर्च का अचार होता है ना, उसका जो मिर्च काटती हूँ वो हमेशा शाम के टाइम ही काटती हूँ, क्योंकि जब मुझे बर्तन साफ़ करने होते हैं, इससे क्या होता है ना कि आपके हाथों में मिर्च भी नहीं लगती अगर आप बर्तन साफ़ कर दो उसके बाद, या फिर आटा गूंथो, तो सारा जो मिर्च का चरचरापन है वो आपके हाथों में नहीं आएगा। और एक तरफ मेरी भुजी बन चुकी थी और भव्या और आराध्या को दोनों को भूख लग रही थी, तो मैंने जल्दी से आटा मला और बना दिया उनके लिए रात का खाना। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करे मैंने वहाँ से आने के बाद, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है मार्केट में। तो गाइस, ये है अगली सुबह जब इनका बर्थडे है, और मैंने तो रात को ही बर्थडे विश कर दिया था, लेकिन बच्चे अभी उठे हैं और दोनों की है छुट्टी और संडे का दिन था, तो इसीलिए ना ये आराम से उठी थी और अपना अपना कार्ड बनाया था इन्होंने रात को, वो देने के लिए आई थी। लेकिन दोनों में ये हो रहा था कि तू दे पहले, ये तू दे पहले, तो यही चल रहा था। मैंने कहा कोई भी दे दो, मैं भव्या कहूँ तो वो कह रही थी कि आराध्या छोटी, आराध्या देगी, और आराध्या कहूँ तो फिर वो कह रही कि दीदी देंगी, दीदी बड़ी हैं। तो यही इन दोनों में आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, और ये कह रहे थे चलो दे दो यार, कोई भी दो, जल्दी से दो। तो आखिर फिर ना भव्या को ही देना पड़ा सबसे पहले, और बहुत ही सुंदर ग्रीटिंग बनाए थे। तो ग्रीटिंग कार्ड्स अच्छे बनाती हैं बर्थडे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी ये सो के उठी हैं और ये पार्टी भी मांग रही है कि आज क्या खिलाओगे, तो वो भी डिसाइड कर रही थी। ये देखो भव्या ने कितना सुंदर कार्ड बनाया है, और कुछ लिखा भी है, बहुत ही प्यारा अच्छा बनाती है कार्ड। जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी होती है सब ये कार्ड ही बनाती है, बहुत सुंदर। और उसकी देखा देखी ना छोटी बहन ने भी भाई कार्ड ही बना दिया, क्योंकि बहुत होड़ करती है भव्या की, होती हैं छोटी बहन ऐसी। और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बोला कि तुम जल्दी से नहा कर आओ, तुम्हारे लिए छोले भटूरे आएंगे आज, घर पर मैंने कुछ नहीं बनाया।
तो बस मैंने कहा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भी नहा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सबको देने के बाद मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ और फिर मैंने अपने लिए भी छोले भटूरे की प्लेट लगा ली है और साथ में बनाया है ये बूंदी का रायता। तो चलिए फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए और मेरे हस्बैंड को अच्छे अच्छे गॉड ब्लेसिंग दीजिए ताकि आप सबके आशीर्वाद से उनकी खूब अच्छे से आयु दीर्घ आयु वाले हों। और हम सब ने छोले भटूरे खाने के बाद किसी को भी भूख नहीं थी, सबका पेट फुल था, लेकिन हमारी जो आराध्या है ना उसको तो खाना ज़रूरी बनता ही है। तो रात की भूजी रखी थी वो मैंने इसको खिला दी थी। तो फ्रेंड्स इनके बर्थडे पे ये टी शर्ट लेकर आई थी बट इसमें ना थोड़ा सा पोपट हो गया। ये जो कलाई की तरफ से ना इसकी एक बाजू ढीली है और एक बाजू ठीक है फिटिंग की है, तो ये बस यही कह रहे थे कि ये ना थोड़ा सा इसको चेंज करके दूसरी ले आना। वैसे तो इन्हें बहुत पसंद आई है, ये बोल रहे थे एक क्यों दो क्यों नहीं लाई, तो मैंने कहा बस यही है कि इनको पसंद आ तो गई, बस ये थोड़ा सा यही है कि बाजू पर से पता नहीं कैसे ढीली है। और यहाँ पे फिर बर्थडे मना रहे हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेशन ना फ्रेंड्स हम घर घर के ही करते हैं, हम किसी बाहर को नहीं बुलाते हैं और घर में ही अपना एंजॉय बहुत अच्छे से करते हैं। तो मम्मी जी ने अपने बेटे को दिया आशीर्वाद, भाई ने भी दिया आशीर्वाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे ये टी शर्ट आप सब बताइए कैसी लग रही है इनके ऊपर पहन के। और आराध्या को तो बीच में मतलब आना ज़रूरी बनता है, छोटी है ना तो सबको ऐसे ही परेशान करती रहती है। और यहाँ पे ना बड़ी वाली नंद है, उनकी वीडियो कॉल चल रही थी तो वो भी इंजॉय कर रही थी वीडियो कॉल पर इनके बर्थडे की जो पार्टी है छोटी सी। और शाम को ना हमने स्ट्रीट फूड मंगाया क्योंकि छोले भटूरे खाने के बाद किसी का मन नहीं करा था और शाम को भी फिर हल्का ही करा था। और यहाँ पे बच्चे खुश हो रहे थे, तो देखिए यहाँ पे केक कट रहा है, कर लीजिए आप भी इंजॉय। खाने भी लगी इतनी पास से पति को ला रही माटू को तो किसी ने खिलाया नहीं। हैप्पी बर्थडे माटू कर दो बाबा को हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे हो रहा है बाबा? बाबा हैप्पी पहले कम कर बेटा ना कम पार्टी थोड़ा थोड़ा खिला ये ज्यादा तो प्रॉप है केक का कवाड़ा तक लिया अंडा वंडा थोड़ी इस भाई हब कर दे छोटी केक खा गई सारा। अरे मैं नहीं खिलाऊंगा छोटी केक जाएगा। कैसे है पूरा खाओ मुझे तो खिलाया नहीं है एक चम्मच खा लेगा। तो फ्रेंड्स मैंने भी इनको केक खिला दिया था। और कैसा लगा आपको ये आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।